हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपनी बुटीक ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। अगर आप घर पे काम करना चाहते हैं तो भी, अगर आप बाहर कोई शॉप रेंट पे या अपनी करके करना चाहते हैं तो भी, पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। वीडियो बड़ी ज़रूर होगी, लेकिन दोस्तों जिन लोगों को बुटीक ओपन करनी है वो लोग पूरी देखें तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ें काफ़ी घाटा खा जाती हैं बुटीक ओपन करने के बाद। वो क्यों खाती हैं, वो रीज़न मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। और मेरे साथ जो चीज़ पेश आई है, मान लो मैंने बुटीक की थी, मेरे साथ क्या रहा और मेरे जानने वालों के साथ क्या रहा, सब कुछ मैं आपको इसमें पूरा खुल के बताऊंगा, कोई भी आपको इस तरीके से नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करना यह हमारी मेहनत का फल है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बुटीक ओपन करने के लिए किन सामानों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, बुटीक करने के लिए सबसे पहले जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होता है हमारा मेजर टेप, जिसे हम इंच टेप भी कहते हैं। ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कोई भी आप इंची टेप ले सकते हैं। इसके अंदर आपका इंची टेप जब आएगा तो उसकी मदद से आपको पता है सूट नाप सकते हो, बॉडी मेजरमेंट ले सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम कैंची के बारे में, ठीक है। तो इन सबको अभी हटा देते हैं। अभी देखिए, कैंची मेरे पास तीन तीन है। आप सोचते हो कि तीन कैंची क्यों है, तो इसमें आप देखेंगे ये कैंची जो है 11 नंबर की है दोनों, ये है 12 नंबर की। कटिंग में मैं ये यूज़ करता हूँ और स्टिचिंग करते वक्त मैं ये यूज़ करता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं इन तीनों से ही काम कर लेता हूँ दोनों, क्योंकि आदत है मेरी। अब किसी लेडीज़ के हाथ में ये 11 नंबर की कैंची बड़ी हो सकती है, तो 10 नंबर की कैंची भी ले सकते हैं। तो इसकी ये कैंची जो मेरे पास है तीनों, इसमें ये दो कैंची है जुपिटर कंपनी की, और इस तरीके की आप देख लो, आजकल अलग अलग नाम आ रहे हैं, लेकिन ये सेप में कैंची आप ले लोगे काफ़ी बढ़िया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये कैंची आप वहाँ से परचेज कर सकते हो अमेजोन से, ठीक है। अब ये जो कैंची है ये 10-11 नंबर की है, ये सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आपके हाथ में 10 नंबर की सही रहती है तो 10 नंबर की ले सकते हो, लेकिन कटिंग के लिए कम से कम बड़ी कैंची 11 नंबर की आपको लेनी चाहिए। तो ये मैंने आपको कैंची के बारे में बता दिया। अब कैंची में मैंने तीन क्यों रखी, रीज़न बता देता हूँ। ये तो दोस्तों कटिंग की हो गई, एक स्टिचिंग की हो गई। एक कैंची होती है जिसकी धार खत्म हो जाती है, उसका रीज़न बताऊं। कभी कभी क्या होता है, कोई सूट हमारे पास मोती वर्क वाला आ जाता है तो हम अपनी मेन कैंची से अगर करेंगे तो उसकी धार खत्म हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो ख़राब कैंची है ना, जिसे खुट्टल कैंची भी कह सकते हैं, उससे आपको मोती वाले पीस को कटिंग करना है। तो एक कैंची आपको हमेशा ऐसी रखनी होगी, यानी कि आपको तीन कैंची हमेशा रखनी है, मेन कैंची दो काम करने वाली और एक आपकी कभी कभी कोई ऐसा कपड़ा आता है वर्क वाला उससे काटने के लिए। तो ये होगी आपकी कैंची। अब इसको भी हम साइड में कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी सेफ फट्टी की। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम सेफ फट्टी बोलते हैं, वैसे इसका नाम है कर्व स्केल। ये आप देखेंगे इसमें कम कर्व है, एक इसमें ज़्यादा कर्व वाली भी आती है, तो आप कम कर्व वाला ले लें और एक ये ले लें। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ और लेने की। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आपका फ्रेंच कर्व है ये ले सकते हो, ठीक है। और ये आपका सीधा स्केल है, इस तरीके का ले सकते हो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका काम ये कर देगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, आपको कुछ मैं प्राइस भी बताता चलूँ। दोस्तों इंची टेप लोगे ये तकरीबन 20 रुपये का मिलेगा, आप अपने हिसाब से जोड़ते रहना कि कितना खर्चा बैठेगा, ठीक है। ये जो कैंची है बड़ी वाली आप लेते हो, कम से कम आपको अमेजोन पे 650 में मिलेगी, और ये वाली कैंची कम से कम आपको 500-550 में मिलेगी। अब ऊपर नीचे रेट होता रहता है, कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। ऑफलाइन में लोगे अगर ऐसी मिल जाती है सेफ में, इसे कहते हैं रेती की कैंची, तो ये आपको थोड़ी सस्ती मिल सकती है 100 रुपये के आसपास। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें जो स्केल मैंने लिया हुआ ये दोस्तों प्लास्टिक का स्केल है, मेरे को अच्छी तरह रेट नहीं पता, लेकिन जहाँ तक अंदाजा है एक इसके लिए 50 रुपये के आसपास का था। इसमें तीन वैरायटी होती है, एक होता गत्ते का जो आपको 20 रुपये का मिल जाएगा, ये वाला 50 रुपये का है, और ये जो है ना ये मेरी सेफ़ट्टी बहुत खास है। आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है ना ये लकड़ में गुदा हुआ है, ये लकड़ की सेफ़ट्टी है, जो कि इसका प्राइस 300 रुपये सिर्फ एक का है। तो ज़रूरत नहीं है आपको इतने पैसे लगाने की, सबसे बेस्ट है प्लास्टिक वाला। आप सेफ़ट्टी लो, प्लास्टिक वाला है, आप सीधा फुट्टा लेंगे तो तकरीबन 100 रुपये में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, और एक 30 रुपये का आपको फ्रेंच कर्व ले लेना है। इनको हम अलग कर देते हैं। अब दोस्तों सबसे मेन चीज़ यहाँ पे दिक्कत आती है कि हम चोक कौन सा यूज़ करें, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना चोक यूज़ नहीं कर पाते ढंग से। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। एक आता देखिए इस पर रेनबो लिखा, अलग अलग कंपनियाँ हैं, आप देख सकते हैं। इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ, तो इसमें देखिए इस तरीके के चोक आते हैं। इसे मैं करता हूँ, ये पूरा का पूरा आपका चोक है, एक तरफ आपका मान लीजिए पिंक कलर और एक तरफ आपका ब्लू कलर का भी आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट उठाऊँ और ये देखिए मैं हल्का सा निशान इस पर लगा देता हूँ, ये देखो एकदम से परफेक्ट लग गया। अब इसको हम अलग रख देते हैं। ये आपका बिल्कुल ऐसा मोम का होता है और इस तरीके से शेप में होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया चोक वो होता है दोस्तों ये वाला। अब मैं इसको लेता हूँ,
अब मैं देखिए इसको ऐसे लगा रहा हूँ तो वो अभी धार इसमें बन नहीं रही ज़्यादा। ये धार कैसे बनती है इसको मैं बता देता हूँ, बस आपको एक ख़राब कैंची याद रखना, अच्छी कैंची नहीं, ख़राब कैंची से ये वाली साइड से ना चाकू को ऐसे ऐसे करके इसको करना होता है। ये जो चीज़ है ना इससे करने से क्या है, ये आपके ना इसको तराशना कहते हैं, इसको इस तरीके से जब करोगे तो यहाँ पर आपका बढ़िया से बन जाएगा, फिर जब आप निशान लगाओगे ना तो एक बढ़िया सा निशान आएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चौक जो है कौन सी कंपनी का, दीपक का मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, अब ये कौन सा मुझे मालूम नहीं, दीपक का ज़्यादातर ले लें। और ये मैंने आपको दोनों तरीके की वैरायटी दिखा दी, तो आप चौक ले सकते हो, डब्बा करीब 20 रुपये का एक मिलेगा, कोई सा भी आप ले सकते हो या दोनों रख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पर लेनी है बिल बुक। अब बिल बुक जो है कैसे छपवानी है ये चीज़ मैं किसी और वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि बिल बुक हर किसी का एक अलग तरीका होता है। लेकिन आपको एक ऐसा मैंने ये आपको दिखाने के लिए एक डायरी ली है, आपको एक रजिस्टर लेना होगा, इस तरीके का रजिस्टर हो कि जिसमें आप अपने खास कस्टमर का जो आपसे हर महीने कुछ ना कुछ बनवाता रहता है उसका परफेक्ट जो मेजरमेंट होगा उसको आप यहाँ पर लिख के रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम डाल दिया, उसका एड्रेस डाल दिया, उसका मोबाइल नंबर डाल के इस जगह पे आपको पूरा उसका नाम लिख लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी एक डायरी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें आप पीछे की साइड में जो है जिससे क्या किससे कितना लेना है वो भी लिख सकते हो। ये मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, वैसे तो बुटीक लाइन में आप उधार ना करो तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि उधार के बाद जब आप पैसे मांगोगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वही आती है कि हमारा सूट यहाँ से टाइट हो गया, वो तो आपने बिल्कुल ख़राब सिल दिया। जब आप पैसे मांगोगे तो इस तरीके की बातें होंगी। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस भी आगे शेयर करूंगा, मैंने कहा ना वीडियो बड़ी होगी, तो ये मैंने आपको जो सामान दिखाए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे ले सकते हो, मैंने आपको इसके प्राइस भी बता दिए। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है मशीन के बारे में, कि आपको मशीन कौन सी लेनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों मैं मशीन आपको दिखा रहा हूँ, डिसाइड आपको करना है कि मशीन कौन सी आपको लेनी है, आपका कैसा काम बनता है। ठीक है, ये नहीं कि आप पहले से पहले ज़्यादा खर्चा कर दो, अगर आपका बजट है तो आप अच्छी मशीन लीजिए। और मैं आपको दोनों मशीन का तब बताऊंगा कि दोनों में क्या फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे मेरे, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मशीन जैक F4। इसके अलावा मेरे पे मैकी की मशीन भी है, इसके अलावा मेरे पे एक और कंपनी की मशीन है जिसका मैंने रिव्यू भी किया था। तो जो इन मशीनों को कहा जाता है इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन, हो सकता है मैं जवान से ना बोल पा रहा हूँ, तो इन मशीन को बोला जाता है इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन। ये मशीन आप ले सकते हो। जिस टाइम मैंने अपनी बुटीक ओपन की थी मैंने परचेस की थी कैश में, 16,500 की थी, लेकिन दोस्तों आज इस जैक मशीन का प्राइस कम से कम 22,000 से 23,000 पहुँच चुका है। अप डाउन होता रहता है, कन्फर्म मैं नहीं बता सकता। तो आप ये जैक F4 पूरे इंडिया में, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, आपको नाम बता दिया, जैक F4 अच्छी मशीन है। इस मशीन का क्या फ़ायदा है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो हम कोई सूट बनाते हैं, मेरा वाइट कुर्ता है, ठीक है, अब इसके ऊपर मान लो किसी तरीके का काला दाग लग गया तेल का, ठीक है, तो ये साफ़ नहीं होगा किसी भी चीज़ से, बहुत कम चांस होता है। चलो वाइट पे तो हम साफ़ कर लेंगे, लेकिन रंगीन कपड़ा होगा तो नहीं हो सकता। तो इस मशीन का फ़ायदा ये होता है, इसके अंदर ना ऑयल देखिए यहाँ पर एक बार में डाल दिया जाता है, ये देख रहे हैं आप, ऑयल को एक बार में यहाँ पे डाल दिया जाता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा भी होता है हाई लो कितना आपको रखना है ऑयल। तो ये ऑयल की वजह से क्या होता है कि ये अपने आप जब मशीन चलाओगे तो ये पूरा ऊपर तक आएगा, और इससे आपके कपड़े जो बनाओगे ना काले वगैरह नहीं पड़ेंगे, और इससे स्पीड भी मैनेज कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। तो दोस्तों ये है इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन, जो आज के टाइम पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ करीब 21,000 से 23,000 के बीच में आपको ये मिल जाएगी अगर इंडिया में आप कहीं से भी लेते हो। तो आपको जरूरी नहीं है, आपको मैं एक और नाम बताता हूँ, ऊषा, आपने नाम सुना होगा, ऊषा की मशीन आप लेते हो तो वो आपके घर पे ही सर्विस देते हैं, वो सबसे बेस्ट रहेगी। अगर आप मुझसे पूछते हो कि कौन सी मशीन लेनी चाहिए तो मैं आपको रेफ़र करूँगा, ऊषा की मशीन ले लीजिए, जो लेडीज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका बजट ठीक ठाक है, वो ले सकते हैं। अब जिनका बजट कम है वो क्या करेंगे, तो उनके लिए मैं आपको दूसरी मशीन दिखाता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपनी ब्लैक मशीन की। अब दोस्तों ये जो मशीन देख रहे हो ना ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि YouTube पे मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है और आज इस मुकाम पर हूँ मैं इसी मशीन की वजह से हूँ। तो ये मशीन मैंने सेल कर दी थी, और आप यकीन माना सेल करने के बाद मैंने 3,500 रुपये की सेल करी थी 3,500 में, फिर मैंने उसको 4,500 रुपये दे के वापस ले लिया, कैसे भी कर जानने वाले थे मैंने ले लिया भाना मार के, क्योंकि काफ़ी अच्छी मशीन है। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों लिया, आप ध्यान से भाई नीचे दिखाऊँ, ये जो आप इसका लोहा देख रहे हो ना, ये लोहा, ये देखो दोस्तों मैं हिला रहा हूँ ना ढंग से, तो ये यहाँ पे स्लिप हो रहा है, लेकिन उठाने के लिए ना इसको अच्छी ताकत लगती है। ये आजकल का, ये देख रहे हो ना, ये आवाज़ सुन सकते हो, ये आजकल का लोहा नहीं है, ये मैंने ली थी 15 साल पहले सिर्फ 2,000 रुपये की,
और इसमें मैंने काम बहुत करवाया, अभी भी मैंने रिसेंटली इसमें 1700 रुपये लगाए, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लगाए। तो मैं इसकी साल में सर्विस करा के 700-800 रुपये लगा देता हूँ, उससे क्या होता है मशीन की लाइफ बनी रहती है। अब ये मशीन दोस्तों अगर आप लेते हो तो आपको नई में बहुत कम मिलेगी, क्योंकि लोहा जो है आजकल उसमें मसाला मिक्स आ रहा है। तो आप कोशिश करें, जो बहुत पुरानी मशीन होती है अगर सेकंड हैंड आप लेने जाते हो तो उसका प्राइस आज से 3-4 हज़ार रुपये चल रहे हैं, अगर मिल जाए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। इसमें देखो ये मशीन में क्या कमी होती है मैं बता देता हूँ। आप ऑयलिंग करेंगे हर एक चीज़ ओपन है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है। जब हम यहाँ पे बनाते हैं ना ये मशीन, जब यूँ चलती है देखो इस जगह से, तो यहाँ ऑयल डलता है। ये देखो यहाँ पे भाई दिखाना, यहाँ देखो लिखा ऑयल, यहाँ पे ऑयल डल गया। तो यहाँ पे सारे पुर्जे में जाने के बाद ना जब मशीन चलाते हैं बहुत स्पीड में चलती है। तो दोस्तों मेरे ना इस साइड में ये अभी मैं दिख रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जैक मशीन यूज़ कर रहा हूँ, ये साइड में ना सब छोटे 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 जो छींटे आ जाते थे काले कलर के ऑयल के, जो कभी साफ़ नहीं होते थे। और यहाँ तक कि अगर मान लो सामने सूट हमने टांगा हुआ है बुटीक में, उस पर भी छींटे आ जाती थी। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। और दूसरी चीज़ इसकी जो सलाख है ना, अभी देखो मैं दिखाता हूँ, हो सकता है मेरे हाथ ये देखो अभी साफ है, कोशिश करता हूँ, अभी देखो शायद यहाँ कालक लग जाए। ये देखो दोस्तों ऑयलिंग आ गई हल्की सी, देख रहे हो हम, ये ऑयलिंग आ चुकी है। और ये देखो ये जो सलाख है, तो इसकी ना सबसे बड़ी बस जो नुकसान है वो यही है कि इसके अंदर कालापन कपड़ा पड़ जाता है। लेकिन इसके भी तरीके लोग यूज़ करते हैं, आप हल्का हल्का साफ करते हुए बना सकते हो, जिनका बजट कम है वो ये ले सकता है। और एक चीज़ और है कि कभी मोती वाला हैवी वर्क वाला कोई पीस आता है उसको आप यहाँ पे बना सकते हो, इसके ऊपर बहुत आसानी से बन जाता है। कई कई लोग जो जैक मशीन है उसे यूज़ नहीं कर पाते ढंग से। तो ये मशीन अगर आप इस तरीके की नई लेने के लिए जाओगे तो पहली बात तो आपको पहले जैसा लोहा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको आज के टाइम पे ये मशीन देखने को मिलेगी कम से कम 7-8 हज़ार रुपये के बीच में, नई मशीन जिसमें पूरा पायदान के समेत मिलेगा। बात रही मोटर की, तो कई कई लोग मोटर लगा के दे भी देते हैं, नहीं तो मोटर आपको अलग से फिट करवानी होगी। इसका प्राइस होगा आपका डबल कोपर में आपको मोटर लेनी है 700-900 के बीच में आपको ये मिल जाएगी। देखो प्राइस मैं इसलिए बता रहा हूँ, 200-300 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कन्फर्म नहीं है। तो ये मशीन मेरी जो है पुरानी मशीन थी, मैंने आपको दिखा दी, नई मशीन के क्या रेट होंगे वो बता दिया। अगर आप पुरानी मशीन खरीदने जा रहे हैं तो ये आपको करीब 3000 से 4500 के बीच में अगर मिलती है तो सबसे बेस्ट है आज के हिसाब से। और अगर आप नई मशीन लेने जा रहे हैं तो करीब मान के चलो 6500 से 8000 के बीच में आपको नई मशीन देखने को मिल जाएगी, सबसे बढ़िया प्राइस है। पायदान मैंने आपको बता दिया, नई मशीन में ऐसा पायदान आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये मशीन आपको मैंने बता दी, दोनों मशीनें हो गई। अब बात करते हैं हम ओवरलॉक की मशीन की। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपनी इंटरलॉक की मशीन की। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जो वाइड मशीन है ना उसके अंदर अगर जैक F4 है तो पूरे हिंदुस्तान में आपको जैक F4 मिल जाएगी। लेकिन ब्लैक मशीन में आप सोचो नाम के आ जाए, तो दोस्तों अगर कोई कंपनी से लेते हो जैसे उषा का नाम लेंगे तो वो तो आ जाएगा, लेकिन काफ़ी लोग खुद मशीन बनाते हैं उसमें कोई भी नाम चिपका देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मशीनें ख़राब हैं, जिस मशीन वाले के आसपास में आप देखोगे जो आपके घर के आसपास बड़ी मशीन वाला है उससे आप सजेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं हर मशीन के बारे में जानता हूँ, लेकिन मशीन वाला आपको ख़राब नहीं बताएगा, क्योंकि कोई भी अपना कस्टमर ख़राब नहीं करता। तो ये जो काली मशीनें होती है ना, इनको हम काली मशीन बोलते हैं, तो इसके अंदर जो आपके लोगो अगर आप देख रहे हो तो ये लोगो अगर वो अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर देख रहे हो ये लिखा है नागरा, काफ़ी अच्छी मशीन लगी मेरे को, लेकिन मेरे पे और भी मशीन मैं यूज़ करता था वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो ज़रूरी नहीं है कि नागरा की बहुत अच्छी, इससे अच्छी भी हो सकती है, हर किसी का अलग तरीका है। और अगर मान लो आपके बजट ज़्यादा ही है तो आप जैक की मशीन ले सकते हो ओवरलॉक में, जिससे वो 5 धागे वाली आती है। लेकिन दोस्तों उसके अंदर एक तो ब्लेड होता है, इसमें हम ब्लेड को निकाल देते हैं कहीं कपड़ा ना कट जाए, उसमें ब्लेड होता है। और वो मशीन भी करीब मेरे हिसाब से, मैं कन्फर्म नहीं कह सकता, 30,000 रुपये के आसपास मिलेगी, 30,000 रुपीज़। तो आप देख लो ये इंडियन रुपीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी प्राइस है अगर आप जिस कंट्री से हैं तो कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा देखिए ये मशीन है ओवरलॉक की, ये मशीन मैंने ली थी 7,500 रुपये की, ठीक है। इसके अंदर मोटर वगैरह कुछ नहीं है और ये मशीन में पूरी नई है, कोई भी सेकंड हैंड नहीं है। सेकंड हैंड ओवरलॉक मशीन लेते हो तो आपको 2500 से 3500 के बीच में मिल जाएगी, नई मशीन लेते हो तो 7,500 से 6,000 के बीच में आपको मिल जाएगी, आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, भाई दिखाओ, जैसे उसका पायदान था ना देख रहे थे कितना कितना मोटा, देखो ये देखो भाई यहाँ से थोड़ा पास दिखाओ, इसकी देखो थिकनेस कितनी कम है। अब ये देखो, ये देख रहे हो कैसे कैसे कप कप आ रहा है, ये देख लो, जो इसके अंदर जान नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये ब्राउन कलर है ना, पायदान दिखाओ भाई, ये ब्लैक कलर में है। अभी मैं ये चलाता था मशीन, मेरा ये पायदान ही टूट गया। आप सोच सकते हो आजकल कितना ज़्यादा जो है ख़राब लोहा आ रहा है। तो ये सबसे बेस्ट मशीन होने के बावजूद भी इसका पायदान टूट गया, मैंने अलग से डलवाया ये, इसका मेरे को अलग से जो 500-700 रुपये लग गया। तो ये चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों कि आजकल की मशीनों में वो जान नहीं है,
तो मैं तो आपको कहूँगा कि बजट है आपका तो बड़ी मशीन लीजिए, जैसे मेरी इंडस्ट्रियल सिंग मशीन है, ऑयल के झंझट से आप बच जाओगे और इन चीज़ों से बच जाओगे। क्योंकि देखो ये मशीन में हम क्या करते हैं, अभी ये तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है चलाने के लिए। अब देखो दीवार के पास, भाई यहाँ दिखाऊँ, कहीं पर आप सेट कर रहे हो, घर में जगह नहीं है, तो ये देखो इस जगह से ऐसे ओपन में दिखता है। अगर मैं इसे चिपका दूँ तो नहीं चिपका सकता, उसका रीज़न क्या भाई, इधर से दिखाऊँ, ये जो उसका चक्का है ना घूमेगा, अगर मैं ये यहाँ पे हटा दूंगा इसको और इसको आगे करता हूँ तो ये चक्का इसमें मिल जाएगा, घूमेगा ही नहीं, और ऊपर की साइड में अभी भी देखो खाली है। तो एक तो इसमें एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको जैक में दिखाऊँ, भाई आ जाओ, जैक में आप देखोगे तो एक तो ये चीज़ बिल्कुल मिल के आ गई। वैसे मैंने जैक में भी लगा रखा है वहाँ पे, वो क्यों लगाया मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं तो बनाता हूँ वीडियो, ठीक है, मैं चाहता हूँ वीडियो में आपको ज़्यादा शोर शराबा सुनाई ना दे। अगर ये मेरा ये फट्टा ऊपर की साइड में यहाँ मिल जाता है तो ये ना वाइब्रेट करता है बहुत तेज, तो वीडियो में ज़्यादा वाइब्रेट ना है इसलिए मैंने ये कर रखा है। और यहाँ पर ये जो गोल गोल आप देख रहे हो ना, ये इससे मान लो कहीं फर्श ऊपर नीचे है तो इससे हम घुमा घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक मशीन में क्या करते हैं हम, भाई घूम के आओ, ये देखो ब्लैक मशीन में मैंने ये चीज़ें यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा था तो मैंने एक कपड़ा यहाँ लगा दिया और ऊपर वाली साइड में मशीन यहाँ कप कप आ रही थी तो एक कपड़ा यहाँ लगा दिया। तो ये ब्लैक मशीनों में एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन में ये एडजस्टमेंट आपको नहीं करनी पड़ती। तो आपको मैंने सारे प्राइस बता दिए कि कौन सी मशीन किस प्राइस में आएगी, हर एक चीज़ आपको मैंने यहाँ समझा दी। अब मेन बात करते हैं दोस्तों काउंटर की, कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं हम अपने मेन काउंटर की। अब ये काउंटर मैं आपको बताऊँगा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आप देखना। अब इसको रखना कितना चाहिए, अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये मेरी कमर है जहाँ लास्टिक आ रही है, मेरे लास्टिक के बराबर है। तो अगर आप कटिंग खुद करते हो तो अपने मैनेज अपना कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है ना वो है 3 फुट यानी 36 इंच। ये देखो मैं नाप के भी दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि झूठ है, ये देखो 36 इंच, ठीक है। अब इसकी जो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है मेरी 2.5 फुट यानी 30 इंच, ये देख सकते हो 2.5 फुट 30 इंच हो गई। अगर आपको ये थोड़ा चौड़ा रखना है, जगह है तो रख सकते हो, जिससे कि आप इस पर पटियाला सलवार वगैरह कुछ अपनी कटिंग कर सकते हो। लंबाई में जो ये काउंटर है ये है पूरा 4.5 फुट यानी कि 54 इंच, ठीक है, 56 इंच जो भी है। अब ये वाला जो लंबाई है ना आप 5 फुट भी ले सकते हो। अच्छा 5 फुट 4.5 फुट से कम होना भी नहीं चाहिए। रीज़न क्या है कि आजकल ना 50-50 इंच लंबी गाउन वगैरह बनाने तो हमें काउंटर पर पूरा चाहिए। अब काफ़ी कमेंट्स करते हैं लोग, इतने कमेंट करते हैं सर ये जो कपड़ा बिछाया इसके ऊपर ये क्या चीज़ है। दोस्तों ये कपड़ा मैं किसी हमारे यहाँ पर कपड़े जो तोल वगैरह में आते हैं तो मैंने ये 225 रुपये का लिया था, तो ये उसने मीटर के हिसाब से लिया था, वरना तोल में भी ले सकते हो। और इसका एक कपड़ा मेरे पास हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जींस का कपड़ा है, जो जींस पहनी जाती है ना ये वो कपड़ा है। इसको मैंने डबल में, ये देखो डबल में करके ये ड्राइंग पिन है, मैंने इसको अच्छी तरीके से लगा दिया, इससे क्या ये बिल्कुल भी सरकता नहीं है, कटिंग करने में आसान रहता है। और ये देखो डबल कपड़ा, ये देख सकते हो आप, ये डबल कपड़ा जींस का। अब इसके ऊपर प्रेस बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा काउंटर मेरा वो है, इसके ऊपर जो कपड़ा है ना इसका मुझे नाम नहीं पता, ये हमारे यहाँ टेलर के पास मिल जाता है, नाम नहीं पता, ये प्रेस में काम आता है। इसे भी मैंने डबल करके देखी बिछाया हुआ है, इस पर आयरन वगैरह बढ़िया लग जाती है। मैंने यहाँ जींस का कपड़ा इसलिए बिछाया क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो वगैरह शूट करता हूँ तो एक अच्छी क्वालिटी दिखती है इसलिए। अब देखिए मेरे पे एक कपड़ा और है, ये भी दोस्तों थोड़ा डार्क में, ये जींस का, ये देख सकते हैं आप, अभी मैं इसे ओवरलॉक कर लूँगा, इसको जब भी सेट करना होगा मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरा करीब 225 रुपये में ये मेरे को मिल गया था। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, भाई इधर आ जाऊँ, भाई वीडियो बड़ी बन रही है और अगर अभी तक आप यहाँ वीडियो में हमारे साथ जुड़े हों दोस्तों एक प्यारा सा लाइक कर दो, साथ में कॉमेंट भी कर देना आपको वीडियो कैसी लगी, क्या ये ज़्यादा आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली और आपके काम आई तो मुझे बताना। अब देखिए दोस्तों आपको काउंटर इस तरीके से बनवाना चाहिए, मैंने आपको बता दिया लंबाई 3 फुट ऊंचाई, सॉरी लंबाई 4.5 या 5 फुट ऊंचाई में मैंने 3 फुट रखा है, 2.5 फुट मेरी चौड़ाई है। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो, मैंने अपने काउंटर के बारे में बता दिया और इस तरीके से रख लो। इस तरीके से करने से क्या होगा कि आप ऊपर अपनी बुकिंग के सूट रख सकते हो बंद करके, ठीक है, नीचे आप और सूट रख सकते हो। इस साइड में आपका दराज हो जाएगा जिसमें आप अपने पैसे वगैरह कोई भी बहुत सी चीज़ें रख सकते हो, बिल बुक रख सकते हो। और ये वाली साइड है, इसमें आप जैसे मैंने लास्ट वगैरह ये सामान रखा हुआ है ना, पैड वगैरह ये सारी चीज़ें ये भी रख सकते हो, तो आपको ये रख लेना है। अब दूसरा काउंटर मैं आपको दिखाता हूँ, तो दूसरी सेटिंग से बना है दोस्तों ये काउंटर है। इसमें मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरे कपड़े बनते हैं, क्योंकि मेरे बुटीक वाले काउंटर है, बुटीक मैं बंद कर चुका हूँ, ठीक है। अब काफ़ी लोग पूछेंगे क्यों बंद कर दिया, तो उसका रीज़न ये है कि दोस्तों मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ, मेरे पर टाइम ही नहीं है, इसलिए बंद कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर आप बुटीक में हो और आपके पास जगह है दो काउंटर बनवाने की, तो एक काउंटर ऐसा बनवा लो जिससे क्या है कि कभी भी कपड़ा बनाया, इसको खोला, कपड़ा अंदर,
फिर इसको बंद कर दिया। अब जो आपके पास कपड़े बचते हैं, कटिंग बचती है, बड़ी बड़ी कटिंग है, छोटी कटिंग तो आपने झाड़ू लगा के सुबह फेंक दी, बड़ी कटिंगों को आप ऐसे ओपन करो, सारे कपड़े इसके अंदर भर दो, तो इसके अंदर करीब एक दो कट्टे आराम से आ जाते हैं। इतना बड़ा काउंटर है, काउंटर का साइज सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। इस साइज में मैंने यहाँ पर पोलोथीन के लिए जगह छोड़ी हुई है, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ लगवा सकते हैं पार्टीशन। और यहाँ पे मैंने एक दराज दी जिसके अंदर मैं लैस वगैरह बहुत सी चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि हमारे को यहाँ प्लास, हथौड़ी, पेचकस, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टेप वगैरह की, ये मैंने रख लिया। बाकी सारी चीज़ें ये हो गई। अब इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो सभी मैं भूल जाता, याद आ गया मैं इस काउंटर पे आया तो, हाँ दोस्तों देखो शुरू में मैंने फट्टी दिखाई थी ना मेरे पे, ये देखो प्लास्टिक में भी ये कर्व स्केल है, ये ज़्यादा कर्व स्केल है पहले वाले कर्व स्केल से, देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ से इसकी गोलाई ज़्यादा है, यहाँ से इसकी सेम है, ठीक है। तो ऐसा कर्व स्केल ले लो, दोनों जगह से काम आएगा, दो दो लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी आयरन यानी प्रेस की। अब मेरे पास ये जो आयरन है दोस्तों, ये मेरे पे सुमो की है, आप कोई भी ले सकते हो, कंपनी अलग अलग है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया चलती है सारी आयरन, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से लगाना है, देखो मैंने बांधा हुआ है, यहाँ पे एक टंकी में पानी भर के लगा देना है। अब देखो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा क्या है कि इसके अंदर ये बूट लगता है, जो ये घिसने के बाद ना, ये देखो ज़्यादा घिस जाएगा ना इस तरीके से, मैं अभी इसको 10-5 दिन में जैसे भी टाइम मिलेगा इसे चेंज कर दूँगा, 200-150 रुपये का ही आता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आप पतले से पतला कपड़े पर भी प्रेस लगा रहे हो ना, आपका जलेगा नहीं, और इसको आप ना पीछे की साइड से यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो। अब ये नहीं जलेगा नहीं तो आप इस बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री हो जाएं और लगा दें किसी भी कपड़े पे, थोड़ा ट्राई करने के लिए इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये चीज़ एक्सपीरियंस से आ जाएगी। ये प्रेस मैंने ली थी आज से 4 साल पहले 2800 रुपये की, तो आपको 2000 से 3500 के बीच में बेहतरीन प्रेस आयरन मिल सकती है। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, यही आयरन लें। और मेरी अगर आपने बहुत पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर एक लोहे की प्रेस आती है, वो जगह जगह नहीं मिलती। अब लेडीज़ों का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, वो घर में रखती है, नॉर्मल प्रेस जो 500-600 की आती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है, कपड़े को फौरन जला देती है, तो मैं कभी आपको राय नहीं दूंगा। देखो बूट का फ़ायदा क्या है, अभी प्रेस गर्म हो गई है, ठीक है, और थोड़ा इसमें उल्टा होता है, नीचे बंद हो जाता है, ऊपर चालू हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो बटन है ना, यहाँ देखो हाथ में रखना, आगे हाथ जल जाएगा, ये देखो भाप देख रहे हो ना। अब देखो मैं यहाँ कपड़े पर प्रेस मार रहा हूँ तो हमें बार बार रगड़ना नहीं पड़ता इस पर, एक बार में अगर आप जल्दी में हो तो ये देखो एक बार में कपड़ा फिनिश, कपड़ा कोई भी हो, इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा है। और उसके बाद आप इसको बंद कर दो, अगर बंद करना भूल भी जाओ, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ कभी कभी क्या होता है मैं भूल जाता हूँ, तो अगर ये चालू है भी ना अपने आप गर्म होती है, अपने आप बंद हो जाती है, इसके ऊपर रखना होता है इसको, इसी के ऊपर आप रखे रहो, आपका कोई चीज़ जलेगी नहीं। लेकिन हमारे जो पहले वाली प्रेस होती थी ना, तो जहाँ पर मैंने काम सीखा, भाई इधर दिखाऊँ, जहाँ मैंने काम सीखा था उनके साथ पता क्या हुआ, उन्होंने प्रेस ऐसी रखी छोड़ दी और पूरी दुकान में आग लग गई, तो काफ़ी बड़ा पेनफुल टाइम था वो। तो ये चीज़ें हो जाती है, तो ऐसी प्रेस लेते हो तो आपकी ये चीज़ जो है बची रहती है। तो दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बता दिया। अब ये डमी वगैरह जो है ये मैं सिखाता हूँ तो मुझे ज़रूरत होती है, आपके पास स्पेस है रखो, नहीं है तो मत रखो। काउंटर जो मैंने बनवाया था, तो ये मेरा काउंटर आज से करीब 6 साल पहले मैंने बनवाया था, तो मेरा ये 6500 बन गया था, क्योंकि मैंने पुरानी लकड़ों से बनवाया था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना बजट के हिसाब से चले थे। आज तो मैं नया बनवा लेता हूँ, बनाए अब मेरा नया ही है, लेकिन मैंने पुरानी लकड़ से बनवाया था जो मजबूत होती थी, और ये 6500 बन के तैयार है। वैसे आप बनवाओगे तो आपको 10-12 हज़ार का मिलेगा, तो आप किसी कबाड़ी वाले होते हैं ना जो पुराना मकान खाली करते हैं, कोई दुकान खाली करता है उन पे बचे जाता है, तो उस जगह पे आप ये सर्च कर सकते हो, इस तरीके का काउंटर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जो चीज़ें चाहिए जो मैंने बताई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, या जिस तरीके की मैंने चीज़ें आपको दिखाई, इनके सबके स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आप इसको ऑर्डर दे के बनवाओगे तो आपकी मनपसंद चीज़ बनेगी और बढ़िया बनेगी। तो दोस्तों बुटीक में आपको क्या क्या बातों का आप ध्यान रखना है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो कम से कम अगर आप ब्लैक मशीन और ओवरलॉक की मशीन लेते हो, नई मशीनें खरीदते हो, तो 15,000 रुपये तो आप मशीन के लिए ले लो, ठीक है। उसके बाद 3,000 रुपये आपकी आयरन में जाएंगे, 3,000 के बाद मोटा मोटा यही खर्चा एक काउंटर में जाएगा, मान के चलो 18,000, 30,000 तक आपका पूरा बुटीक का सामान आ जाएगा। तो 30,000 में एक मशीन के साथ आएगा अगर आप अकेले काम कर रहे हो, लेकिन आप कारीगर वगैरह लेते हो वो अलग है, वो आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें तो चाहिए चाहिए। अब बात करते हैं कि आप काम कैसे कर रहे हो, उसके बारे में आपको बताता हूँ, कस्टमर को कैसे अटेंड करना है, हर एक चीज़ में आपको बताता हूँ। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से सुनो।
तो दोस्तों मशीन मैंने आपको बताई ना, अभी ये ब्लैक मशीन के बारे में बताया कि ब्लैक मशीन एक लेकर, एक ओवरलोड की मशीन लेकर, काउंटर का सामान लेकर आपकी ये तकरीबन पड़ेगी 30,000 का खर्चा। ठीक है, 30,000 क्यों पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्यूबलाइट लगवानी पड़ेगी, जो आपके एंगल आते हैं ना पर्दे वाले, अगर मान लो आप सूट टांगने जा रहे हो वो चाहिए, हैंगर चाहिए, तो छोटा मोटा आइटम है तो 5-10 हज़ार ऊपर नीचे आप ले सकते हो, 35 कर लो 30 की जगह ब्लैक मशीन के साथ। अगर आप इस चीज़ को नई ना खरीद के पुरानी खरीदते हो तो सीधा सीधा आपके यहाँ पे पूरे हाफ रेट हो जाएंगे मशीनों में, यानी कि जो मशीन 15,000 की मिल रही है आपको 8,000 में ही मिल जाएगी। ये मशीन आपकी ब्लैक की बताइए, अगर आप इंडस्ट्रियल मशीन में जाते हो दोस्तों आपका बजट काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अपना खुद देखना है। अच्छा, जो हाथ वाली मशीन चलती है उससे वो फिनिशिंग नहीं आती, काफ़ी लेडीज़ हाथ वाली मशीन को पायदान पे रख लेती हैं तो वो कहती है ये बड़ी मशीन हो गई। नहीं, बड़ी मशीन वो नहीं होती कि हाथ वाली मशीन को आप पायदान पे रख लोगे बड़ी मशीन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ी मशीन जो मैंने आपको दिखाई है इस तरीके की होती है, इसकी स्पीड अच्छी होती है, ठीक है, इसमें आप काम अच्छा निकाल सकते हो। और जो घर में जो मशीन चलती है ना, जैनम मशीन वगैरह होती है, उसमें अलग अलग पीको कढ़ाई वगैरह कर, उसमें आप अपने खुद के एक आधा सूट बना सकते हो, आप क्वांटिटी नहीं निकाल सकते अगर आप किसी का बाहर कपड़ा बना रहे हो, तो आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो चीज़ लेडीज़ों के साथ होती है सबसे ज़्यादा, तो आप लोग इसमें सावधान रहें इन चीज़ों से। किसी ने बोला बुटीक करने के लिए, उन्होंने बुटीक कर ली, पैसा लगा दिया उन्होंने 1,00,000 रुपये, अब ये नहीं देख रहे वो 1,00,000 रुपये लगाने का कि उन्होंने जो किराए पे दुकान ली है वो उसका किराया है 20,000 रुपये महीना। उन्होंने एक मास्टर रख लिया, मास्टर कह रहा है मैं 25,000 रुपये लूँगा, कारीगर कह रहा है मैं 15,000 रुपये लूँगा, तो 20,000 रुपये हो गया दुकान का, 25,000 मास्टर का हो गया 45, 15,000 कारीगर का कितना हो गया 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपये पहले तो आपको वो निकालना है, उसके बाद दुकान का खर्चा भी होता है चाय पानी का, 10,000 आप उसको रख लो अलग, ठीक है, जब आप इतने बड़े उस पर जाओगे तो 10,000 70,000 रुपये। अब मान के चलो अगर आप 1,00,000 रुपये का काम करते हो तो उसमें लाइनिंग भी लगनी है, लाइनिंग लगेगी, उसमें बजट भी देखना होगा, ठीक है, तो मैंने आपको मोटा मोटा खर्चा बता दिया। अब मान लो लाइनिंग वगैरह लगेगा तो आपको उसमें क्या बचेगा। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि मैडम 60,000 रुपये भर रही हो, 50,000 का ही काम बुक हुआ, तो उनको अपनी जेब से लगाने पड़ा और 5-3 महीने बाद उन्होंने बुटीक बंद कर दी। और मैं यकीन से नहीं, मैं बिल्कुल दावे से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जानने वाली काफ़ी मैडम ने बंद करी है। और अगर कोई ऐसी लेडीज़ है जिसने इस तरीके से बुटीक ओपन करके बंद की है तो प्लीज़ आप यहाँ पे कमेंट जरूर करना, अगर कमेंट करके जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ होगा ना मैं उसको पिन कर दूंगा, पता है क्यों, ताकि लोग अवेयर रहें इन चीज़ों से, बचें। अब देखो नए नए मास्टर जो होते हैं ना, उन लोगों का काम क्या है कि वो आएंगे जो सैलरी लेंगे आपको उस हिसाब से काम नहीं देंगे। भाई आप नई बुटीक कर रहे हो, आपके पास काम एकदम उड़ के थोड़ी आएगा, आपका लोग काम देखेंगे तभी तो आपके पास आएंगे। अब मेन चीज़ होती है कस्टमर आपके पास चढ़ेगा कैसे, आपके पास क्यों आएगा। तो दोस्तों जब आप किसी की फिटिंग अच्छी देते हो, याद रखना डिज़ाइन नहीं फिटिंग अच्छी देते हो, जब फिटिंग अच्छी देते हो ना तो डिज़ाइन तो हर साल 6 महीने में चेंज होते रहते हैं, कभी आपका नायरा स्टाइल आ गया, साइड प्लेटेड कुर्ती आ गई, ना जाने क्या क्या चेंज होता रहेगा। भाई फिटिंग तो आप एक ही तरीके से दोगे ना, तो फिटिंग आपको सीखनी है, तो फिटिंग रिलेटेड चीज़ अगर आपको सीखनी है तो दोस्तों आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में सूट पैंट प्लाजो ये सारी चीज़ें सिर्फ फिटिंग रिलेटेड चीज़ सिखाते हैं, डिजाइनिंग नहीं सिखाते, जिसकी फीस मात्र 2500 रुपये मैंने रखी है। और दोस्तों ये जो फीस है ना, इस फीस की मदद से, ये अभी बता रहा हूँ, अब हो सकता है एक साल बाद देखो हो सकता है फीस बढ़ जाए, 2500 रुपये में आपको दोस्तों मैं यहाँ पर पैंट प्लाजो यानी कि इस तरीके का आपको सिखा सकता हूँ कि आप किसी भी कस्टमर का इंचीटिव से नाप लेके बहुत आराम से बना सकते हो। तो आपको स्क्रीन पे पूरी वीडियो में नंबर दिखता होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो की मदद से सिखाऊंगा, कोई लाइव क्लासेस नहीं होगी। डाउट क्लियर करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, आप अपने कॉलिंग टाइम पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही वो पूछ सकते हो। तो ये चीज़ करना, क्योंकि दोस्तों आप जब फिटिंग अच्छी दोगे तभी एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को लेके आएगा कि भाई मैंने यहाँ से कपड़े बनवाए थे, मेरे साथ ये हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है। जब मैं कारीगरी पे कहीं काम करता था तो मैं वहाँ पे कमीज कटिंग के पहले मैं काम करता था, सिर्फ बनाने का, तो मुझे पैसे कम मिलते थे। फिर मेरे पापा ने कहा कि बेटा कटिंग सीखो, मैंने कटिंग सीखी, कटिंग सीखने के बाद मैं एक कमीज़ बनाता था तो मुझे उस टाइम 100 रुपये मिलते थे, मैं दिन में 7 कमीज़ बना देता था, मात्र मान के चलो दिन भी क्यों बताऊँ 5 घंटे के अंदर कटिंग होके बन जाती थी, क्योंकि स्पीड बनाने में थी, फटाफट कटिंग करा, तो मेरे 700-800 काम होता था आज से 7-8 साल पहले। और यकीन मानो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत थे पैसे, ये मैं कहता भाई 700-800 रुपये आ रहे, कहाँ मैं कमाता था दिन में 400 रुपये 500 रुपये 300 रुपये, वहाँ मैं एकदम से डबल में पहुँच गया। डबल में जब पहुँचा, जब मैंने खुद कटिंग करके बनाया,
तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। फिर धीरे धीरे मेरे पास कस्टमर आने लगे, उनको जब मैं फिटिंग देने लगा, क्योंकि मैंने अपना पर्सनल अपने मोहल्ले पड़ोस में काम बुक करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे पास एक बार ऐसा टाइम था दिवाली के टाइम, क्योंकि दिवाली के टाइम काफ़ी लोग बनवाते हैं, त्यौहार पर जरूर बनवाते हैं, मेरे पे 50 सूट का ऑर्डर मेरे घर पर ही था। तब मैंने सोचा भाई 50 सूट का ऑर्डर अगर मेरे घर पर है तो मैं फिर किसी के यहाँ काम क्यों करूँ, मैं अपनी बुटीक करता हूँ। और मैंने बुटीक किया। बुटीक करने के बाद मैंने सबसे पहले सिलाई को मोहल्ले में देख लिया, क्या सिलाई चलती है क्या नहीं, क्योंकि मैं काम करता था, मुझे मालूम था। तो मोहल्ले पड़ोस में देखने के बाद हर किसी का, आजकल लोग मुझे कमेंट करते हैं सर सिलाई के पैसे कितने लें। भाई सिलाई के पैसे आप अपने मोहल्ले के हिसाब से लो। अब मैंने कई लोगों को ऐसा काम सिखाया है कि मैं सिलाई ले रहा हूँ अपने यहाँ पे 350-400 रुपये प्लेन सूट की, लेकिन उनके यहाँ सिलाई है 700 रुपये, तो मैंने जिनको सिखाया वो 700 रुपये ले रहे हैं। तो मैं कहूँगा भाई मैंने सिखाया, मेरे से ज़्यादा कैसे, ऐसा नहीं है। मोहल्ले में जिसमें वो रहते हैं ना, बात उसकी आती है कि आप किस एरिए में हो, आप अपने उस हिसाब से कस्टमर को टारगेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक बेहतर फिटिंग देनी है। जो मोहल्ले में टेलर लोग ले रहे हैं ना, उससे 100 रुपये कम में आप सूट बनाओ और पहले अपनी फिटिंग को फैलाओ, ठीक है। उसके जब फिटिंग पसंद आने लगेगी, लोग आपके पास आने लगेंगे। अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे आपको कभी भी घाटा नहीं होगा, आपको 2 सूट कटिंग करके बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप लेडीज़ हैं और घर के अंदर काम बना रही हैं, और अगर आपका घर में काम है, जैसे बच्चे हैं, खाना वाना बना के देना, घर का काम करने का, आप 2 सूट कटिंग करके बना सकते हो सुकून से, तो आप बनाते रहो, काम करते रहो। लेकिन अब आपको लगता है आपका काम बढ़ रहा है, ठीक है, लेडीज़ क्या करती हैं, काम आता है ना, ये भी आने दो, ये भी आने दो, ये भी आने दो, क्योंकि मैंने काम किया लेडीज़ों के पास, मुझे मालूम है टाइम है, परसों दिवाली है और आज के टाइम पे 40 सूट बुक करके बैठ गई, 40 सूट कैसे बन जाएंगे जी, कस्टमर बिगड़ेगा, टूटेगा का? और ज़्यादा टेंशन में क्या होता है, फिर वो दवाइयाँ खाती हैं, ठीक है, बीमार पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल रियलिटी चीज़ है। और ये जिसके साथ हुई ना, वो कमेंट भी करना कि आप लोगों के साथ हुआ है, इतना कमाया नहीं जितना उन्होंने दवाई में लगा दिया। ये मैंने वो रियलिटी चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने देखी है खुद। वो इतनी टेंशन लेती थी रात में 1-1 बजे, सुबह 5-5 बजे के आसपास से काम करती, रात के 1-1 बजे तक। इतनी ज़रूरत नहीं है, सुकून से काम करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आपको 2 सूट कटिंग करके बनाने आने चाहिए। जब आपको लगता है 2 सूट में खुद कटिंग करके बना रही हूँ, आपको खुद नॉलेज है, तो कोई मास्टर आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना, आपको कटिंग करके कारीगर रख लेना है, जो पार्ट टाइम कारीगर हो, जो आए 3 घंटे में अपने 2 सूट आराम से बना के चले जाए। तो आपने कटिंग कर दिया और धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, तो एक परमानेंट कारीगर रख लो, लेकिन मास्टर मत रखना। मास्टर रखोगे वो लेगा अपने, मास्टर होता है जी, वो आपके 25,000 से 30,000, 20,000 के आसपास लेगा, और वही आपकी बचत होगी, वही ले जाएगा काम। वो कहेगा काम नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, मैं तो खाली बैठूंगा, तो आप कभी उससे अपने बनवाओगे, ये मतलब कुल मिला के आपको घाटा ही होना है। तो आपको 2 सूट कटिंग करके बनाने आने चाहिए अगर आप बुटीक ओपन करने जा रहे हो। अगर आपकी बुटीक का एक जगह रेंट है 7,000 रुपये, तो 5 महीने का रेंट आपको 35,000 रुपये अपने पास रखना होगा, क्योंकि 5 महीने में तो आपका आसपास के पड़ोस वाले जानेंगे कि ये सिलाई कैसे करते हैं। वो सिलाई हमेशा जहाँ करना है ना, वहाँ के लिए पहले व्हाट्सअप ग्रुप बना लीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप बनाना है आपको ब्रॉडकास्ट, उसके अंदर आप अगर थोड़ा बहुत सूट रखना चाहती हैं, काफ़ी लेडीज़ क्या करती हैं, बुटीक ओपन करती हैं, सूट रख लेती हैं, ठीक है, कि ये सूट भी बेचेंगे, वो भी बेचेंगे। सूट की नॉलेज नहीं है, यहाँ तक कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है सूट की, अगर मैं रखूँगा तो मैं घाटे खाऊँगा, मुझे मालूम है। तो सूट का काम मैंने अभी नहीं किया। तो सूट अगर आप रख रहे हो, अगर नॉलेज है तो रखो, नहीं है सिलाई में चलने दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि 2 सूट आपको कटिंग करके बनाने आने चाहिए, 5 महीने का किराया आपके पास रहना चाहिए, वो कोशिश करो अगर आप घर की मतलब घर में काम बना सकते हो। देखो ऐसा होता है, किसी का घर छोटा है, कई लोग घर के ऐसे होते हैं जो बाहर से आ रहे ज़्यादा, उनको मतलब वो कहते हैं कि घर के बाहर के लोग आ रहे हैं तो ज़्यादा पसंद नहीं करते, ठीक है, तो वो लोग अपना बाहर बुटीक करते हैं। अगर कोई लोग एतराज़ नहीं करते हैं किसी के घर वाले, और वो घर बुटीक घर में कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़िया है जी, आपका किराया बच जाता है, आप अपने सुकून से जो है। हाँ एक चीज़ और, जब भी बुकिंग करोगे, अगर आप दिन में 2 सूट बना सकते हो, तो अगर आपके आज 25 तारीख जैसे मान के चलो 25 तारीख है, उसके आपने 2 सूट बुक कर ली, अब जो कस्टमर आया उसको आप 26 तारीख दो, फिर जो कस्टमर आया उसको आप 28 तारीख दो, उसमें एक छुट्टी को हटा दो, इस तरीके से आप बुकिंग लेके चलना। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कस्टमर जब आपका अपने आपका बनाने वाला होगा ना, परसों दिवाली है, तो आज आके कहेगा कि मैं तो आप ही से बनवाती हूँ, प्लीज़ बना के दो कैसे भी करके, और आपके पास कोई कारीगर नहीं, कोई कुछ नहीं। और अचानक ये होता है कि ऐसे टाइम पे लाइट भी चली जाती है, बिना लाइट के तो हम प्रेस ऑन नहीं होगी, कपड़ा नहीं कटिंग होगा, बना नहीं सकते, बहुत सी टेंशनें होती हैं जो मैंने फेस की है, ठीक है। तो आपको ना हिसाब से काम बुक करना है, जल्दबाजी में काम बुक नहीं करना, सुकून से काम बनाना है। 2 सूट आपको खुद कटिंग करके बनाने की क्षमता होनी चाहिए। 2 सूट आप बनाओगे, मान के चलो तो आप 200 रुपये ले रहे हो, तो आपको 400 रुपये की आमदनी हो रही है, खुद कटिंग कर रहे हो, खुद बना रहे हो, किसी को नहीं देना,
जो आपने पहले लगा दिया वो लगा दिया, और उसके अंदर अगर आपकी रेंट की दुकान है तो अगर आप पूरा टाइम दे सकते हो बुटीक के ऊपर, तो उसके अंदर रेंट का अलग पैसे निकाल के रख दो, एक डब्बा बना लो जिसमें पैसे आए डेली रेंट के, बिजली के डाल के उसे बंद कर दो और महीने के महीने निकाल दो। ये इसलिए बता रहा हूँ, जब तक बुटीक नहीं चलती तो आपको बहुत सावधानी से काम करना होता है, जब बुटीक चल जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऊपर अलग बहुत देता है, आप मेहनत से और अच्छे बढ़िया कपड़े बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मतलब जो मैंने बताई है ना बिल्कुल रियल है, कोई झूठी नहीं है, सब मशीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया। अगर आप वाइड मशीन जैक वाली लेते हो तो इसमें आपका बजट बढ़ जाएगा, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, हर एक चीज़ का मैंने प्राइस बता दिया। अब दोस्तों वीडियो हो गई है काफ़ी बड़ी, ठीक है, मेरा भाई भी कह रहा है पीछे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन बात बड़ी की नहीं है, बात है कि आप लोगों को अच्छी नॉलेज मिलने की। तो आज से आप कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, चाहे वो कारीगर हो, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ क्या कहती हैं कि ये कटिंग खुद कर लेती है, कारीगर तनख्वाह पे रख लेती हैं, उनकी तनख्वाह ही नहीं निकाल पाती हैं, फिर घाटा हो जाता है, ठीक है ना, दुकान का किराया निकल रहा है, काम ही नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। अरे भाई अगर आपको सिर्फ किराए किराए की तो मार पड़ेगी, अगर मान के चलो आप खुद काम बना रहे हो तो आपको किराए किराए की मार पड़ेगी, अगर आप कारीगर या मास्टर रख लोगे तो आपको कारीगर मास्टर की भी मार पड़ेगी सैलरी की। तो कभी भी ऐसा नहीं करना। अब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, इस चीज़ पे आप ध्यान रख के अगर काम करोगे तो यकीनन आपकी बुटीक चलेगी। बुटीक में कस्टमर चढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न होता है अच्छी फिटिंग, आप अच्छी फिटिंग बनाओ, नए नए डिज़ाइन देखो। मेरे चैनल थोड़ी है, बहुत चैनल हैं यूट्यूब पे, अलग अलग क्रिएटिविटी सीखो, जिंदगी भर सीखना है, मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखो, और अलग अलग अपने कस्टमरों को बना के दो, कस्टमर खुश होगा तो वो दो लोगों को बोलेगा और ऐसे ऐसे आपकी एडवर्टाइजमेंट फ्री में हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पूरी वीडियो कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए ना दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, और अगर किसी को भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो सूट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस अलग है, ब्लाउज क्लासेस की अलग है। सूट क्लासेस 2500 रुपये हैं, ब्लाउज क्लासेस भी 2500 रुपये हैं, और ये दोनों क्लासेस करने पर मान लो आपने एक क्लासेस करी तो आपको 2 महीने का कॉलिंग सपोर्ट मिलता है, ठीक है, उसके बाद वीडियोस जो होती है वो आपके पास हमेशा रहती है, चाहे वो सूट की हो चाहे ब्लाउज की हो। सूट में आपको 63 वीडियोस मिलती हैं, ब्लाउज में आपको 40 वीडियो मिलती हैं जिसके अंदर आपके तरह तरीके के ब्लाउज हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों अगर आप दोनों कोर्स एक साथ करते हो तो इसके अंदर आपको 4000 रुपये पे करने हैं और 100 डेज का कॉलिंग टाइम आपको मिलता है जिसमें आपको हमारा सपोर्ट मिलता है। मान लो कोई अल्ट्रेशन आ रही है तो आप हमसे बात कर सकते हो, फोटो सेंड कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं, और ये पेड क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस नहीं है। काफ़ी लोग तो मेरे पास आके मजाक भी कर लेते हैं, कहते हैं सर क्या 2500 रुपये में है क्या, तो अब मैं हंसता हूँ, बताओ मतलब इतना टाइम नहीं होता हमारे पास किसी को जवाब दे पाएँ। तो जो सीरियस हैं वही लोग मैसेज करके पूछें जो करना चाहते हैं, अब वहाँ में से कहते हैं कि 2500 रुपये में सर कोर्स करा रहे तो कराओ, मतलब इसका क्या मतलब बनता है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग अगर सीरियस करना चाहते हैं वो मैसेज करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ये जो डिटेल वीडियो थी ये मैंने रिक्वेस्ट पे बनाई थी, आप लोगों के काफ़ी कॉमेंट आते थे, तो आई होप जो जो चीज़ आप पूछना चाहते थे, जो जो चीज़ आपको पूछनी थी, हर एक चीज़ की नॉलेज इसमें मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कुछ चीज़ मैं भूल गया हूँ तो नीचे कमेंट करना, कोशिश करूँगा आपके कमेंट के जवाब देने की। थैंक यू।